हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम सेल्स और परचेज की रिपोर्ट कहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, एक तो आप डिस्प्ले में जाते हैं और वहां पर देख सकते हैं, तो वहां पर पूरी एंट्रीज आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, टैली प्राइम की बात कर रहा हूं मैं, देख सकते हैं ये हमारी कंपनी है राजेश मल्टी स्टोर, और यहाँ पर अगर हमें एंट्रीज देखनी है तो हम डिस्प्ले डे बुक में जाते हैं, यहाँ से डी प्रेस करते हैं, डे बुक में आ गए और यहाँ पर हमको वो एंट्रीज जो हमने की है इस कंपनी में रिलेटेड टू डेट, जैसे 1 दिसंबर से रिलेटेड जो एंट्रीज हुई हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी। अगर डेट चेंज करेंगे तो अदर एंट्रीज अगर हुई हैं तो वो भी दिखेंगी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैं अगर कर देता हूँ 1/8/7/2020, ठीक है, तो यहाँ पर 1/7/2020 की एंट्रीज दिखाई पड़ेंगी आपको, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 जुलाई की एंट्री दिखाई पड़ रही है, तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें सेल्स और परचेस की रिपोर्ट अलग अलग दिखाई पड़े, ये कहां से होगा? तो जो भी एंट्री पास की है हमने, ठीक है, वहां चलते हैं। पहले हम 1 दिसंबर डेट चेंज कर लेते हैं, 1 दिसंबर ही रखते हैं डेट, 1/12/2020 ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब ये डेट हमारी चेंज हो गई, अब हमें जाना है यहां से कहां, हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर, तो एक बार डी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ये खुल गया, अब इसमें आपको प्रेस करना है अकाउंट बुक। ठीक है, क्या प्रेस करना है, अकाउंट बुक में जाना है। ठीक है, या तो अकाउंट बुक पे चले जाइए या तो ए प्रेस कर दीजिए, जैसे ही ए प्रेस करते हैं तो यहां पर ये अकाउंट बुक ओपन हो जाता है। अब जो भी आपको चाहिए, चाहे कंट्रा में एंट्री देखनी हो, पेमेंट की एंट्री देखनी हो, रिसिप्ट की एंट्री देखनी हो, जैसे रिसिप्ट का रजिस्टर है, ठीक है, तो यहां पर अगर कोई एंट्री हुई होगी तो रिसिप्ट का रजिस्टर दिख रहा है, जैसे मान लीजिए अप्रैल में शायद कोई एंट्री हुई हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अप्रैल में 2 एंट्रीज हुई है रिसिप्ट में, तो ये दिख गई यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए कि परचेज का देखना है तो यहाँ परचेज में आ गए, तो यहाँ देखिए परचेज में दिसंबर में भी है, ठीक है, ये देखिए, और फिर नवंबर में भी हुआ है एंट्री, नवंबर में कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं फिर अक्टूबर में, तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर में एंट्री हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री हुई है, ठीक है, सितंबर में भी। इस तरह से हम ये एंट्रीज चेक कर सकते हैं यहाँ पर भी आकर के, सेल्स परचेज रजिस्टर में या जनरल रजिस्टर या डेबिट नोट रजिस्टर, क्रेडिट नोट रजिस्टर, यहां से भी आकर के ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेमेंट की बात करें तो पेमेंट अगर हुआ है तो जिस महीने में, तो अभी इसमें कहीं पेमेंट का जिक्र नहीं है तो पेमेंट में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो यहां से आके देख सकते हैं। बात करें सेल्स रजिस्टर की, तो सेल्स रजिस्टर पे आएंगे तो सेल्स की रिपोर्ट दिखेगी, देखिए सेल्स की भी रिपोर्ट दिख रही है इसमें, तो इस तरह से करके हम यहां पर आकर के और रिपोर्ट ये देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।